बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मिस हसीबा। बायोलॉजी ग्रेड 10 यूनिट नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में हमने ग्लैंड्स को शुरू किया हुआ है, आज हम पढ़ रहे हैं गोनेड्स, ठीक है। आप लोगों ने पढ़े हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पेनक्रियाज और फिर एड्रेनल ग्लैंड्स, काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिए हैं स्ट्रक्चर के साथ साथ। अब आज हम पढ़ रहे हैं गोनेड्स। गोनेड्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच प्रोड्यूसेस गैमीट्स। द मेल गोनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस एंड द फीमेल गोनेड्स आर कॉल्ड ओवरीज। बोथ प्रोड्यूसेस मैनी इंपॉर्टेंट हारमोन्स, हारमोन्स ऑफ द ओवरी और ऑस्ट्रोजन हारमोन। इट ब्रिंग अबाउट डिवेलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर इन द फीमेल, डिवेलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। प्रोजेस्टेरॉन हारमोन प्रिपेयर द फीमेल बॉडी फॉर मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी। हारमोन ऑफ टेस्टिस, द टेस्टिस प्रोड्यूस हारमोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन। इट ब्रिंग्स अबाउट डिवेलपमेंट ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक लाइक ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस, थिकनिंग ऑफ वॉइस। अच्छा, गोनेट्स एक्चुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कि गमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये दो किस्म के हैं, मीन्स कि एक मेल में होता है और एक फीमेल में होता है। मेल के गोनेड्स को हम टेस्टिस कहते हैं, जबकि फीमेल के गोनेड्स को हम ओवरीज कहते हैं, ठीक है। टेस्टिस अपने हार्मोन रिलीज करता है, जबकि ओवरीज अपने हार्मोन रिलीज करता है। टेस्टिस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं। एक्चुअली टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का फंक्शन क्या है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये मेल में सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर को मेंटेन रेगुलेट करता है। सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर आप लोग देखिए, ये मेल के मुंह पे हेयर्स आ जाते हैं, साथ ही साथ में जब उसकी वॉइस भी बहुत ज़्यादा वो बारी बारी हो जाती है, ठीक है। आप लोग मेल में से चाइल्ड को देख ले, छोटे बच्चे को देख ले और एडल्ट को देख लेना, तो आप लोगों को काफ़ी डिफरेंस फील होगा। तो ये सारे का सारा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होता है। ओवरीज फीमेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। फीमेल में ओवरीज दो हार्मोन रिलीज करते हैं, एक को हम एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं, दूसरे को हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स को रेगुलेट करता है, जैसे कि सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर फीमेल में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो गए हैं, ठीक है। जबकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी अगर प्रेगनेंसी है तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो ये थे गोनेड्स जो आप लोगों ने मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, ठीक है। अब ये आप लोगों की बुक में सारे हार्मोन्स जो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं उसकी एक समरी है, इस पे एक नज़र डाल देते हैं, ठीक है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कितने हार्मोन रिलीज करता है, एक है ग्रोथ हार्मोन, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि इसको हम सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं, एक है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एक है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये डिवेलपमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स, ठीक है, इसको रेगुलेट करता है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन हमारी बॉडी में क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरॉन बाय द एड्रेनल कॉर्टिक्स। जो मैंने पढ़ा दिया कि एड्रेनल कॉर्टिक्स को स्टिमुलेट करवाता है और उससे हार्मोन्स की सिक्रीशन करवाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस इट्स हार्मोन। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाता है ताकि वो हार्मोन सिक्रीट करे। थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंटीरियर लोब से सिक्रीट होता है। ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली स्टिमुलेट्स द ओवरी टू रिलीज, एक ओवरी को स्टिमुलेट करके एग रिलीज करवाता है और टेस्टिस को स्टिमुलेट करके करवा के टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करवाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, आप लोगों ने पढ़े हैं एंटी डायोरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। एंटी डायोरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन के फंक्शन क्या थे, एंटी डायोरेटिक हार्मोन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द नेफ्रॉन, जो आप लोग बार बार पढ़ रहे हो, ठीक है। नेफ्रॉन से वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को
रेगुलेट करवाता है, इंक्रीज करवाता है। आप लोगों को पता है कि नेफ्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं? नेफ्रॉन किडनीज में होते हैं, ठीक है, किडनीज में पाए जाते हैं, जो कि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन, जो कि किडनी में फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। और एंटी डायरेटिक हारमोन ऐसे हारमोन्स हैं जो कि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन, नेफ्रॉन में वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है। ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं? इनिशिएट्स यूटेराइन कंट्रक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, यूट्रस के मसल्स को कंट्रैक्ट रखता है, ठीक है। और दूसरा, फ्लो ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन, मींस के ब्रेस्ट से मिल्क के फ्लो को भी रेगुलेट करवाता है। थायराइड ग्लैंड में दो हार्मोन्स आप लोगों ने पढ़ लिए, थायरोक्सिन एंड कैल्सीटोनिन। थायरोक्सिन क्या करता है? ये एंजाइम्स स्टिमुलेट्स एंजाइम्स ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये एंजाइम को स्टिमुलेट करता है जो कि मेटाबॉलिज्म में फिर हेल्प करवाते हैं, ठीक है। कैल्सीटोनिन डिक्रीज ब्लड कैल्शियम कंसेंट्रेशन। ये कैल्सीटोनिन क्या करते हैं? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बरकरार रखते हैं। एड्रेनल मेडुला है, एड्रेनल मेडुला दो हार्मोन्स आप लोगों ने पढ़े, एफिनेफ्रीन जिसे आप लोगों ने एड्रेनलिन हार्मोन भी कहा था, एंड नॉर एफिनेफ्रीन जिसे आप लोगों ने नॉर एड्रेनलिन हार्मोन भी कहा था, ठीक है। एफिनेफ्रीन क्या करता था? एफिनेफ्रीन या फिर एड्रेनलिन हार्मोन्स, अगर आप लोगों को याद हो पिछले वाला लेक्चर, तो ये स्ट्रेस की सिचुएशन में सीक्रीट होता था और ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता था, या तो एंगर या फिर इमोशन की सिचुएशन में होता था, ठीक है। और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन्स आप लोगों को मैंने पढ़ा दिए थे कि इससे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट हो जाते थे, ज़्यादातर डर के वक्त में ये सीक्रीट होते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को, फिर मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि फेस, इससे पेल हमें लगता है कि इस बंदे का फेस या तो पेल हो गया है या फिर वाइट हो गया है, ठीक है। इनिशिएट्स बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड द फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स टू डेंजर, इस हार्मोन को हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स दो हार्मोन्स आप लोगों ने पढ़े, कॉर्टिसोल्स एंड एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। कॉर्टिसोल्स क्या करते हैं? प्रोमोट्स प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन्स, ये ग्लूकोज के प्रोडक्शन को प्रोटीन से ग्लूकोज के प्रोडक्शन को फेवर करते हैं, ठीक है, प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ में एल्डोस्टेरोन हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स का है, जो कि प्रमोट साल्ट एंड वाटर रिटेंशन बाय द किडनी, ठीक है। आप लोगों को मींस काफ़ी डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा है कि वाटर साल्ट की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। पेनक्रियाज इंसुलिन एंड ग्लूकागन, साथ ही साथ में मैंने इसके अल्फा सेल्स बीटा सेल्स के साथ साथ मैंने आप लोगों को एप्साइलॉन सेल्स भी करवाए थे, डेल्टा सेल्स भी करवाए थे, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो पिछले वाले लेक्चर, इंसुलिन क्या करते हैं? लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग ब्लड सेल्स टू स्टोर ग्लूकोज आर यूज इट, ठीक है। इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को लोअर करवाते हैं ब्लड में, या तो इसको यूज़ करवा देते हैं या फिर इसको स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। जबकि ग्लूकागन स्टिमुलेट रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर इन टू द ब्लड, जबकि ग्लूकागन क्या करते हैं? ग्लूकागन लिवर से ग्लूकोज स्टिमुलेट करवा के बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, ब्लड को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक दूसरे का इंसुलिन और ग्लूकागन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन में है, एक लोअर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है तो दूसरा ज़्यादा करता है, ठीक है। ग्लूकोज हम दो जगहों पे स्टोर करवाते हैं, लिवर में स्टोर होता है, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर, जो कि स्किन के नीचे पाए जाते हैं एडिपोज टिश्यूज़, उसमें स्टोर होता है ना, तो ये दो जगह, इसलिए यहाँ पर लिवर को मेंशन किया गया है। अच्छा, ओवरीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है, इसका फंक्शन क्या है? काज द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी एंड रेगुलेट्स फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक, जो कि अभी इसी लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। एस्ट्रोजन्स हार्मोन क्या करते हैं कि ये एक्चुअली सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर फीमेल में कंट्रोल करते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ लिया है, ठीक है, ग्रोइंग ऑफ हेयर्स इन स्पेसिफिक प्लेसेस, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अच्छा, टेस्टिस
आप लोगों ने पढ़ा एंड्रोजन्स या फिर टेस्टोस्टेरॉन भी इसको कहते हैं। ये क्या करता है, ये एक्चुअली रेगुलेट मेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स, ये मेल मेल सेकेंडरी सेक्स सेक्स करेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है, जैसे कि ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस, ठीक है, और थिकनिंग ऑफ वॉइस। ये आप लोगों ने अभी इसी लेक्चर में, लेक्चर की शुरू में ये सारे के सारे पढ़ लिए। तो ये पूरे का पूरा समरी था, जितनी भी ग्लैंड्स आप लोगों ने पढ़े देखें, तो दो किस्म की कोऑर्डिनेशन अब आप लोगों को समझ में आ गए हैं। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशंस जो कि न्यूरॉन्स के थ्रू होता था, फिर न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया, और ये है केमिकल कोऑर्डिनेशन जो कि केमिकल्स के थ्रू होता है, और वो केमिकल्स क्या है, वो केमिकल्स हारमोन्स है, ठीक है। ये इतने ग्लैंड्स आप लोगों ने पढ़ लिए और ये उसकी एक समरी थी जो कि आप लोगों को यहाँ पर शो की गई है, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। थैंक यू।